तो गाइस इस वीडियो के अंदर में आपको इस पॉकेट गियर जो होता है, जो साइकिल में यूज होता है, वो गियर आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो ये बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह में इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस इसको मैं बनाकर दिखाता हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने इस तरह का राउंड लिया है, इसके अंदर मैंने 12 mm का राउंड घुमा लिया है, उस साइड में भी मैंने 12-12 mm निशान मार लिए। ये देखिए 12-12 mm मैंने मारा है। और सेम इसी तरीके से अगर आप बड़ा बनाते हो तो इसका डबल कर सकते हो। ये देखिए 12-12 24 हो चुका है, और साइड में जो निशान मारे वो भी 12 हो चुका है। देखिए 12-12 mm आएगा, और इसी तरीके से आप इसका भी डबल कर सकते हो, 12-12 24, तो 24-24 48 हो जाएगा। और ये गियर बनाना काफ़ी आसान है, बड़ी आसानी से और सरल तरीके से बन जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और बनाकर आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं इसके अंदर होल कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने इसके अंदर होल निकाल लिया है, और मैंने इसके अंदर 6 mm का होल निकाला है। अब फ्रेंड्स की कटिंग करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा चिटसा जंगल में जो काटना पड़ेगा, तो मैं इसको काट लेता हूँ। तो सेम इसी तरीके से इसके बाकी के जो किनारे हैं उनको भी काट लेना है, और किसी भी पेपर की मदद से इनके जो किनारे होते हैं उनको हल्का सा गोल करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है। तो सेम इसी तरीके से बाकी के जो वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे, और देख सकते हो मैंने इसको जो है बनाकर तैयार कर लिया है। और इस तरीके से बनाकर आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर सकते हो, ये बड़ी आसानी से बन जाता है। और इस गियर की खासियत है कि इसे आप से 90 डिग्री पर भी यूज कर सकते हो, चेन भी इसके अंदर लगा सकते हो और सीधा भी इसको यूज कर सकते हो, बस आपको गियर थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा, और बनाना भी काफ़ी आसान है, जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, ये देख सकते हो कि कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इसे बनाकर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको 90 डिग्री का कोई गियर चाहिए तो इस तरह का गियर बनाकर आप यूज में ले सकते हो, बनाना काफ़ी आसान है। तो सेम इसी तरीके से लोहे के भी बनाकर आप यूज कर सकते हो, प्रोसेस सेम वही रहेगा, तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।